नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी नीड स्टार्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कि यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि यूपीएससी सीएससी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आखिर किस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद आप यूपीएससी सीएससी का पेपर दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी यह जानना है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और ये जानें। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यूपीएससी सीएससी का पेपर देने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं। तो दोस्तों, आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यूपीएससी का पेपर देने के लिए। तो दोस्तों, अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आप मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए यूपीएससी सीएससी का पेपर देने के लिए। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये पेपर दे सकते हैं, या फिर आप अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी होंगे तब भी आप ये पेपर दे सकते हैं। मतलब कि दोस्तों, कि अगर आप एक तो ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होने चाहिए ये पेपर देने के लिए। ये तो दोस्तों बात हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। अब हम बात करते हैं एज की कि एज क्या है, एज लिमिट क्या है यूपीएससी सीएससी का पेपर देने की। तो दोस्तों, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मतलब डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट एज लिमिट है। जैसे कि जनरल के लिए, जनरल या ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज की, वो 21 साल से 32 साल तक की है। जी हाँ दोस्तों, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज लिमिट की, वो 21 साल से 32 साल तक की है। वहीं ओबीसी के लिए 21 साल से 35 साल तक की है, और वहीं एससी एसटी के लिए 21 साल से 37 साल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूपीएससी सीएससी का फॉर्म भरने के लिए या फिर पेपर देने के लिए। तो दोस्तों, ये हो गई एज लिमिट की बात। पर दोस्तों, इसमें एक आपको मैं बता दूं कि एज लिमिट कहाँ से कैलकुलेट होता है। जैसे कि आप मतलब 2023 में फॉर्म भर मतलब पेपर देने वाले हैं यूपीएससी का, तो आपकी जो एज लिमिट होगी वो 1 अगस्त से कैलकुलेट होगी। जो आपकी एज होगी वो 1 अगस्त से कैलकुलेट की जाएगी, मतलब 1 अगस्त 2023 से आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आने चाहिए। जैसे कि अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं, जनरल या ईडब्ल्यूएस के, तो आप 21 साल से 32 साल तक 1 अगस्त के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर आप 1 अगस्त से अपना जो डीओपी मैच कीजिए, अगर आप उसके अंतर्गत है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। आप ओबीसी के हैं तो भी आप ऐसे ही देख सकते हैं यूपीएससी कैटेगरी के लिए जो 21 से 35 साल तक की एज लिमिट है। आप एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं 21 साल से 37 साल तक के बीच आप होने चाहिए, बट एज लिमिट जो है वो 1 अगस्त 2023 से आप कैलकुलेट कीजिएगा 2023 एस्पिरेंट के लिए, या फिर आप जिस भी ईयर में देना चाहते हैं, बट आपको एज लिमिट जो है वो 1 अगस्त से कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि यूपीएससी में जो है एज जो है 1 अगस्त से कैलकुलेट की जाती है। ये दोस्तों बात हो गई एज लिमिट की। अब हम दोस्तों बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कि हमें अटेम्प्ट्स कितने मिलेंगे यूपीएससी सीएससी का फॉर्म भरने के लिए, यूपीएससी सीएससी का पेपर देने के लिए। तो दोस्तों, अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको टोटल 6 अटेम्प्ट मिलते हैं ये पेपर देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो 6 हैं, आप 6 टाइम ये पेपर दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो दोस्तों आपके लिए जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो 9 है, मतलब ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट 9 है। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए अनलिमिटेड जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, बट कंडीशन ये है कि आपकी एज लिमिट जो है 21 साल से 37 साल के बीच में होनी चाहिए एससी एसटी कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों, जनरल के लिए आपने देखा कि एज लिमिट जो है 6, मतलब जो ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है ये 6 है, ओबीसी के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट 9 है, एंड एससी एसटी के लिए जो है एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट टिल एज लिमिट। एंड दोस्तों, जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए भी एनी नंबर ऑफ एज लिमिट है टिल जो है मतलब एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट टिल एज लिमिट। तो दोस्तों, ये बात हो गई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, एंड इसके अलावा एज लिमिट जो है वो क्या होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।